ये कहानी है एक आम इंसान की, उसके जज्बात की, उसके बदलते हालात की। ये है आम आदमी की खास कहानी। हेलो, मैं हूँ रविंद्र सुर्वे और आप मुझे सुन रहे हो आम आदमी की खास कहानी पर, ओनली ऑन रेडियो सिटी फन का एंटीना। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और जब हमारे बचपन में मेरे डैडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हम, मैं, मेरे दो भाई और मेरी एक बहन, हम चार बहन भाइयों का जो हमारा एजुकेशन था वो बहुत ही पुअर तरीके से गुजरा है। हम लोग को विटी में फोर्ट में, जहाँ पर अब मैं गणपति का पंडाल मेला लगा हुआ है, जहाँ पर आज मुंबई में फेमस गणपति उत्सव रविंद्र सुर्वे कर रहा है ऐसा लोग बोल रहे हैं, उसी गली में मेरा जन्म हुआ है। और उसी गली में, उसी स्ट्रीट के अंदर, एक चौल के अंदर, एक सिंगल रूम में, 10x12 के सिंगल रूम में मेरा बचपन गया हुआ है। और अब मैं रहता हूँ मुरुंड में, मैं डुप्लेक्स में मेरे बैठा हूँ, लेकिन मेरा पूरा इमोशन मेरे उस घर पे और मेरे उस एरिया में आज भी है क्योंकि वहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। और हम लोग सिंगल रूम में, चौल में रह के हमारा एजुकेशन हमने, हमारे मम्मी डैडी ने स्ट्रगल करके पूरा किया है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरी एग्ज़ाम थी, आई थिंक मैं 6th और 7th स्टैंडर्ड की मेरी एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम, और जब मेरी माँ ने मेरा शर्ट निकाला कबाड़ से तो वो शर्ट फटा हुआ था, तो फिर मैं थोड़ा रो पड़ा, बोला मेरी एग्जाम है तो मैं ये शर्ट फटा हुआ शर्ट पहन के कैसे जाऊँ। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा तू रोना मत, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। तो हमारे बाजू में एक हमारे नेबर्स थे, वो काफ़ी रिच थे, उनके उनकी फैमिली सारी मजगा डॉक में सर्विस करती थी, दे ऑल बिलोंग टू रिच फैमिली। तो उनके घर से मेरे लिए एक शर्ट लेके आई मेरी माँ, और वो शर्ट मुझे पहना है एसटी करके, और वो शर्ट पहनकर मैं एग्जाम के लिए गया। जो गणपति पंडाल में आज अगर आप सेट मेरा देखते हो तो मेरे सेट की हाइट 40 फुट है, सेट का लेंथ है 170 रनिंग फीट और विड्थ है 38 फीट। इतना बड़ा पंडाल मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि पूरे बम्बई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किसी का भी नहीं, ऐसी मीडिया बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बात, ये तो मुझे बोलने के लिए चीज़ खुशी हो रही है। और मेरा पूरा पंडाल सेंट्रली ऐसी है, और मेरा पंडाल का गणपति लोगों के पास साल में एक बार आते हैं, लेकिन मेरे पास 6 महीने बाद आती है। उसका रीज़न ऐसा है कि मुझे बिफोर 6 मंथ्स की तैयारी करनी पड़ती है, और ये पंडाल का पूरा जो कामकाज है, जो पूरा सेटअप है, इसको तैयार करने में मुझे कम से कम 3 महीना लगता है। और 3 महीने के अंदर कम से कम 125 से 150 आदमी लोग फिल्म के प्रोफेशनल कारागिर वहाँ पर काम करते हैं। मेरी लक्ष्मी जैसी मेरी बीवी मेरे घर पे है, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, और तीनों बेटी मेरी घर की लक्ष्मी है। जिस पंडाल में आज करोड़ों रुपया खर्चा करके मैं उत्सव कर रहा हूँ, उसी पंडाल के बाहर मैंने 10 पैसे में एक पूड़ी करके दुर्वा बेचा है। मैं बिजनेसमैन हूँ तो, बट नेचुरल मेरे काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स है बॉम्बे में, टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब मेरे बहुत बड़े सर्कल मेरे साथ में आज अटैच है। पर आज भी ये रवि सुर्वे उसी दोस्तों में अपनी खुशी मानता है जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो निस्वार्थ रवि को तारीफ करते हैं, उनसे ही मैं आज एंजॉय करता हूँ, और मैं मेरा काफ़ी वक्त आज भी उन्हीं को देता हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर या मेरे घर के अंदर कोई बहुत बड़ा रिचेस आदमी आया, कोई VIP भी आदमी आया, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना मेरा बचपन का कोई दोस्त, गरीब दोस्त आज भी कोई सर्विस क्लास में है, वो जब मेरे घर पर आता है तो उसको सत्कार करने में, उसको खुशी देने में जो मुझे खुशी होती है, वो मुझे बड़े सर्कल में नहीं होती है। ये उत्सव के अंदर मेरा स्वार्थ भी ऐसा है, ये एक सस्पेंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि 11 दिन में भगवान के सामने बैठकर जो मैं जो उनके वाइब्रेशन और आशीर्वाद लेता हूँ, उससे मेरे पूरे साल की एनर्जी इकट्ठा करता हूँ, और यही मेरे यश का और मेरे स्टेटस का और मेरे सक्सेस का राज है। मैं मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, जो भी मेरे भाई जो मेरे जैसे गरीबी में गुजरते आज भी, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि भगवान के प्रति श्रद्धा, बहुत अच्छी ईमानदारी और बहुत मेहनत स्ट्रगल करके अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करने की एक डेयरिंग होनी चाहिए, एक जिगर होनी चाहिए, उसको पकड़ के रखेंगे और भगवान के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा और आप भी रवि सुर्वे बनोगे, मेरा कॉन्फिडेंस है।